और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर नेशनल हाईवे 91 के लोहारली टोल प्लाजा पर किसानों के वाहनों के टोल फ्री कराने को लेकर बीजेपी किसान यूनियन अजगर के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की मांग है कि टोल प्लाजा के 7 किलोमीटर दोनों तरफ दायरे में आने वाले गांव के किसानों की कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ियों को टोल फ्री किया जाए, जबकि टोल प्लाजा प्रबंधन के द्वारा प्राइवेट गाड़ियों को टोल फ्री किया गया है, वहीं कमर्शियल गाड़ियों को फ्री से इनकार किया जाता है। मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन अजगर के सैकड़ों कार्यकर्ता तय कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष हरबीर नगर के नेतृत्व में नेशनल हाईवे 91 के लोहारली टोल प्लाजा पर इकट्ठे हुए। उन्होंने टोल प्लाजा की 2 लाइनों को बंद कर वहीं पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनकी मांग है कि टोल प्लाजा के 7 किलोमीटर के दायरे में आने वाले दोनों तरफ के सभी गांवों के किसानों की कमर्शियल और निजी वाहनों को भी टोल फ्री किया जाए। भारतीय किसान यूनियन अजगर से यहाँ किसानों के साथ लगातार उनका शोषण किया जा रहा था। आसपास के भी लोकल की गाड़ियां हैं उनको निकलने में दिक्कत कर रहे थे, उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे। कुछ यहाँ अभी मैनेजर आए, उनके आने के बाद उनकी तानाशाही, उन्हें तानाशाही दिखा रहे थे। आज उन्हें चेतावनी दी है, SDM साहब को ज्ञापन दिया है, और जो लोकल के किसान हैं आधार कार्ड पे निकालेंगे, अगर नहीं निकालेंगे तो भारतीय किसान यूनियन अजगर टोल को फ्री करने का काम करेगा। फास्टैग बनने से कोई नुकसान नहीं, फास्टैग बनने से तो और समय की बचत होगी, जाम नहीं लगेगी, भीड़ की समस्या का निराकरण होगा। ये जो आई कार्ड दिखाते हैं आकर के यहाँ पे फर्जी, वो तो कोई प्रावधान ही नहीं है। फास्टैग के थ्रू आएगी गाड़ियाँ, जल्दी निकलेगी, कहीं तो इमरजेंसी व्हीकल नहीं फंसेंगे जाम में, ट्रैफिक स्मूथ रहेगा, यातायात सामान्य रहेगा।